दिल्ली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले दिनों में लगातार इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। गुरुवार को सुनवाई के क्रम में मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया कि यह केस वक्फ अधिनियम के साथ साथ पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है। शाही ईदगाह मस्जिद की संरचना को हटाने के बाद कब्जे के साथ मंदिर की बहाली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दाखिल मुकदमों में प्रार्थना पत्र से पता चलता है कि मस्जिद की संरचना वहां है। आपको बता दें कि मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इंतजामिया कमेटी का उस पर कब्जा है। इस तरह वक्फ की संपत्ति पर विवाद उठ गया है। इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में इस विवाद पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार वक्त न्यायाधिकरण को अधिकार होने का दावा किया गया है। इस मामले में सिविल कोर्ट को कोई अधिकार न होने की दलील दी गई है। वहीं मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने CPC के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर पूजा स्थल अधिनियम और मियाद अधिनियम की ही लिखित में प्रार्थना की थी। साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें अलग किसी भी कानून पर बहस करने का कोई कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा कि जो दलील दी जा रही है वह पहले भी बार बार दी जा चुकी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी किया। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश की मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।